गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह के 5:20 से। और देख सकते हैं सामने का व्यू नज़ारा, जब अभी सन राइजिंग होने में दम थोड़ा देर बचा है। और हम हमारे साथ भैया भी उठ चुके हैं, दोनों अंदर उठ चुके हैं और अभी सन राइजिंग में समय है। अभी फिलहाल का मौसम बहुत मस्त है, हवा चल रहा है बहुत अच्छा। और सोचिए क्यों नहीं जब उठे हैं तो छत पर ही आ जाए, क्योंकि सुबह सुबह टाइम में इतना अच्छा हवा चलता है तो आ जाते हैं ऊपर। तो अभी सोच रहा क्यों ना टाइम लैप्स लगाया जाए जब सन राइजिंग होगा, तो सोच रहा टाइम लैप्स लगाने का, तो लगाते हैं। फिलहाल कब से लगाए थे टाइम लैप्स लेकिन नहीं बता है, किस्मत में लिखल बा ले रहा तो कहाँ से मिली पेड़ा उहे वाला हाल बा। मतलब कबे से हम लोग अले बनी, हमारा तो लगा था कि बादल घिरत जाता, मतलब लग रहा है कि बादल बारिश वाला हो रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इधर का जितना बादल था सारा काला काला था। तो सोचे बोल दें तो फिर सोचे क्यों ना पहले बरस कर लें। तो देखिए अभी तक सन राइजिंग नहीं हुआ है पता नहीं क्यों, जबकि मतलब टाइम लैप्स में 10 सेकंड का 1 सेकंड होता है। तो सोचिए मतलब मेरा 2 मिनट 40 सेकंड हुआ है, तो वो अभी देखिए कितना मिनट का लगा, लगभग 40 मिनट का करीब लगाए हैं लेकिन आया नहीं है वीडियो अभी तक, मतलब सन राइजिंग ही नहीं हुआ है। मतलब आज पहली बार सोचे कि लगाएं फिर टाइम लैप्स राइजिंग होने का सन, तो आज पता नहीं नेचर ने ही धोखा दे दिया। तो फिर और कभी अजय हम उठते हैं सुबह इधर टाइम पर और मुझे मौका मिलता है कि यहाँ पर टाइम लैप्स लगाने का, तो ज़रूर फिर से लगाएंगे, देख सकते हैं। तो अभी हैं ऊपर और अभी स्कूल का टाइम है मेरा जाने का, 7 बजे से क्लास लगता है लेकिन 6:30 में हम और दोस्त मेरे आते हैं तो निकल जाते हैं लोग स्कूल के लिए, तो चलते हैं। अभी बजने वाला है 10 मिनट में 6, तो ब्रश व्रश कर लिए हैं, बाथरूम वाथरूम से अभी आ चुके हैं, तो चलते हैं। थोड़ा देर में नहाना धोना स्टार्ट करेंगे, खाना पीना खाएंगे, रेडी होंगे, चले जाएंगे स्कूल और आपसे मिलते हैं स्कूल से आने के बाद। तो गाइस अभी फिलहाल दोपहर का बज रहा है 1 और स्कूल से आ चुके हैं, लगभग 1 घंटा हो चुका है और अभी आ रहे हैं क्योंकि पहले तो रेस्ट किए हैं, सुबह में आने के बाद पहले रेस्ट किए, खाना खाने के बाद अभी। और जैसे तो कितना तेज़ हवा चल रहा है, झंडा की लहर से आप लोग को पता चलता होगा कितना तेज़ हवा चल रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रहा है। और साथ ही में एक बात और जो मैंने बोला था कि इसको मैं दिखाऊंगा, जो चिड़िया के लिए जो बना है इसके अंदर चावल है, ये चावल निकालते हैं इसमें से ले सकते हैं, जो इसके अंदर चावल रखा गया है। मतलब चिड़िया तो दिख ही नहीं रही, जल्दी आप लोग को दिखाते हैं कहीं चिड़िया दिखती है, मतलब चिड़िया का पॉपुलेशन ही पूरा पूरी कम हो चुका है, मतलब कहीं तो चिड़िया दिख ही नहीं रही, एकाध छोड़कर ये लमसम ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 ज़्यादा तो लोग दिख भी नहीं रहे हैं, अब क्या कहा जाए। तो गाइस अभी फिलहाल टाइम हो रहा है शाम का 6 और गाइस अभी आप लोग को फिलहाल मौसम दिखाते हैं, फिर से सुबह की तरह सनसेट होने वाला है और मौसम का बात वही है और मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रहा है। और मतलब कुछ लोग तो छत पर दिख रहे हैं, ऐसे वहाँ पर है, यहाँ पर बच्चे लोग अपना क्रिकेट खेल रहे हैं, ये भैया हैं, मतलब दिख रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं है, छत पर लोग दिख रहे हैं। और सोच रहे हैं आज फिर से सुबह की तरह इस बार भी अब सनसेट का लगाया जाए आज टाइम लैप्स, अब देखते हैं। और लमसम लमसम हो ही चुका है, मतलब सन तो दिख रहा है बस उसका कुछ प्रकाश दिख रहा है रेज, जो मतलब लग रहा है कि सन मतलब उजाला दे रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन अब हो चुका है और छत पर आनंद आ रहा है, तो छत पर अभी हम लोग हैं और थोड़ी देर तक रहते हैं।
तो गाइस अभी फिलहाल हम थे छत्ती पर, और एक और बात, मतलब इतना ऑरेंज ऑरेंज पूरा मौसम लग रहा कि हर एक चीज़ ऑरेंज ऑरेंज है, बट कैमरा में वो चीज़ नहीं दिख रहा है। मतलब हम सोच रहे कि इसका भी कुछ दिखेगा तो दिखाएंगे, लेकिन मतलब जितना दिन है उतना दिख नहीं रहा है। मतलब अब जो आंखों से दिख रहा है वो कैमरे में नहीं दिख रहा है, मतलब पूरा ऑरेंज ही ऑरेंज दिख रहा है हर एक तरफ। गाइस अभी फिलहाल टाइम हो रहा है शाम का 7, और आज है राम जी का छठियार, तो मंदिर पर आज शायद प्रसाद वसाद मिलेगा और पूजा भी होगा, तो मस्त डेकोरेशन थोड़ा बहुत हुआ होगा कहीं, मतलब आइए पास में तो घर नहीं है कि गए, एक बार देख के आ गए फिर बता सकते हैं, चलते हैं। और अभी मान चला कि आरती भी हो रहा है तो चलते हैं। तो आज फिलहाल आज के मंदिर पर आरती खत्म हो चुका है, सिर्फ प्रार्थना हो रहा है। तो गाइस जैसा कि मैंने सोचा था कि यहाँ पर पूरा डेकोरेशन वेकोरेशन हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देख सकते हैं, पूरा मतलब फ्रंट से पूरा खाली ही खाली। इसलिए मैं बोला था कि डेकोरेशन कहीं होगा क्योंकि इसके पिछले साल था, तो यही हमारे राम जी हैं, और इस बार छोटे से टाइप पर हुआ है, लाइक मतलब ज़्यादा लोग के लिए नहीं, जो कुछ जाने पहचाने लोग के लिए था, वहीं के लिए देख सकते हैं। पंडित जी मतलब प्रसाद तैयार कर रहे हैं सब किसी, अभी फिलहाल प्रसाद लेकर के आ चुके हैं घर पर, और इस बार तो कुछ सजा वजा नहीं था, मतलब इसके पिछले बार जब राम जी का छठिया था तो मतलब सजा भी था, वही बैलून वैलून से कुछ जिसे और प्रसाद में भी था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा नहीं, जो पर्सनल क्या जो हमेशा हर एक पूजा में साथ देते हैं मंदिर में, उन्हीं लोग को बुलाया, जैसे हमारी दीदी, तो उनके कारण हम भी चले गए थे आज, तो प्रसाद मिल गया तो ज़्यादा लोग वहाँ पर था नहीं, तो पहले बड़ा बड़ा कठोर में बनता था। इससे पिछले साल का ही बात बोल रहा है, लेकिन इस बार हुआ नहीं, तो कोई बात नहीं, अगले बार कहीं होता तो जरूर होगा। तो चलते हैं प्रसाद ग्रहण करते हैं, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कल में ब्लॉग।